My channel Reading Lovers, I hope you are working hard. Now we move to our new topic. लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, या फिर आप हमारे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो हम अपना थोड़ा सा टॉपिक रिकॉल कर लेते हैं। इससे पहले हमने क्या कवर किया था? इससे पहले हम कवर कर रहे थे अपना जो टेंस का टॉपिक है। टेंस में हमने, क्योंकि टेंस में मेनली हमारे तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट होता है अपना, पास्ट और फ्यूचर होता है। मेनली इसमें जो फोकस रहता है वो प्रेजेंट और पास्ट पे रहता है, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट से ही हमारा फ्यूचर भी कवर हो जाता है, और साथ ही साथ इसके साथ हमारा जो नरेशन का टॉपिक है और जो आपका ये वॉइस का टॉपिक है ये भी इसके साथ ही कवर हो जाता है। क्योंकि नरेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेंसेस में जो आपके साथ ही साथ कवर होती चली जाती हैं। सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना वर्ब का टॉपिक। वर्ब क्या होती है? वर्ब को इन हिंदी हम क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया मेनली इसको आप बिल्कुल सिंपल साधारण शब्दों में समझिए। क्रिया का मतलब होता है कोई काम करना, मेनली जैसे कोई कार्य करना, या हम जो काम करते हैं दिन में अपना, मतलब कोई भी वर्क करते हैं, जैसे हम स्टडी करते हैं, खाना बनाते हैं, वॉकिंग करते हैं, मीन्स सारा जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी रहती है दैट इज़ क्रिया। वो क्रिया होती है। तो क्रिया क्या होती है? एक वर्ब। अ वर्ब इज़ ए वर्ड, एक ऐसा शब्द जो क्या होता है, यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट, मतलब ये कुछ कहती हैं किसी के बारे में। किसके बारे में? कोई पर्सन या थिंग, कोई पर्सन हो गया या थिंग हो गई। ए वर्ब इज़ ए वर्ड दैट स्टेट समथिंग अबाउट ए पर्सन और ए थिंग। यानी क्रिया वह है जो किसी काम के करने, जो किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, तो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे लेट अस सी दी सेंटेंसेस। जैसे हमारे पास ये जो सेंटेंसेस हैं, फर्स्ट वन है अदिति लाफ, अदिति हंसती है। द डॉग इज डेड, कुत्ता मर गया है। द बॉयज़ आर ईटिंग फूड, लड़के खाना खा रहे हैं। आदित्य गोज़ टू स्कूल, आदित्य स्कूल जाता है। और द पुलिस मैन अरेस्टेड द थीफ, पुलिस मैन ने थीफ को अरेस्ट कर लिया। ऊपर जो ये हमें सेंटेंसेस गिवन हैं, इसमें क्या है आपका जो ये वर्ड है, लाफ हो गया, इज़ आर गोज़ अरेस्टेड, तो ये जो शब्द हमें दिए गए हैं ये अदिति, द डॉग, द बॉयज़, आदित्य और पुलिस मैन के को कंसिडर कर रहे हैं, मीन्स ये इनके बारे में कुछ कह रहे हैं, और ये वर्ब्स हैं क्योंकि तो एक फॉर्मल सी बात है, हम इनको पहचान लेते हैं। लेकिन एक वर्ब हमें क्या कहता है? ए वर्ब मे टेल अस, क्या कहता है? व्हाट, ये चीज़ जो हमने मतलब अब तक डिस्कस किया है वो हमें मोस्टली पता होता है, लेकिन ये उससे आगे की बात हम करते हैं कि एक्चुअली वर्ब कहता क्या है। व्हाट अ पर्सन और थिंग, कि एक पर्सन और एक थिंग, जैसे रमिता सिंग्स, रमिता गाती है, बॉयज़ रन क्विकली, लड़के तेज़ी से भाग रहे हैं। सेकंड है व्हाट इज़ डन टू ए पर्सन और थिंग, कि क्या करता है एक पर्सन, यानी यहाँ पर तो क्या एक क्वेश्चनिंग फॉर्म है। व्हाट ए पर्सन इज़ डन, यानी एक पर्सन के द्वारा क्या किया जाता है। द चेयर इज़ ब्रोकन, बीन इज़ पनिश्ड, पर यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर बन जाता है कि किसके द्वारा पनिश्ड, किसके द्वारा ब्रोकन चेयर। व्हाट ए पर्सन और थिंग, जैसे द डॉग इज़ डेड, ग्लास इज़ ब्रिटल, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चनिंग फॉर्म बन के आ रही है तीनों में कि किन के द्वारा ये काम किया गया है। तो ये जो सारे जो हम रूल्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये साथ ही साथ इनको एक दूसरे से कनेक्ट करके चलेंगे। जैसे
काइंड्स ऑफ वर्ब, इसके प्रकार, मेनली इसके दो ही रूप होते हैं, ट्रांजिटिव सकर्मक, इन ट्रांजिटिव अकर्मक। इसके नेम से ही पता चल रहा है, सकर्मक मीन्स इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो गिवन रहता है, और अकर्मक इसमें ऑब्जेक्ट का ओमिशन होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो मेनली इनका यही फंक्शन रहता है। कि कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया और उसमें आपने ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव को ही रिकॉग्नाइज करना होता है, बाकी और कोई रूल एग्जामिनर के बाद ना इजी और सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, और हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें इन ट्रांजिटिव कौन सी है। बस ये है कि आपको ये ध्यान रखना है, ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया हो गई और इन से आप अकर्मक, यानी ये ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट वन है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ए वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसी क्रिया जिसको ज़रूरत होती है, यानी जो रिक्वायर करती है एक ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कम्प्लीट इट सेंस, कि वाक्य में सेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। यानी जैसे ट्रांजिटिव अर्थात वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे द मैन किल्ड अ स्नेक, मैंने एक स्नेक को किल कर दिया। द बॉय ओपन द विंडो, अदिति मेड ए डॉल। अब ऊपर जो सेंटेंसेस गिवन हैं इसमें जो वर्ब है वो इजीली रिकॉग्नाइज हो जाती हैं, जैसे किल्ड हो गया, ओपनड, मेड, और के बाद अगर ऑब्जेक्ट ए स्नेक, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये बन रहा है ना जो बाद में होता है, ओपनड हो गया और मेड इसका अर्थ स्पष्ट कर रहा है, और तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हो गए। ठीक है, तो इन ट्रांजिटिव यानी यहाँ पर सेकंड हो गया है इन ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? इन ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं विच डज नॉट नीड रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कम्प्लीट इट सेंस, मीन्स इन सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि वे जो शब्द जिसको रिक्वायर नहीं होता, वो जो रिक्वायर नहीं करता, जिसको नीड नहीं होती अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो इंट्रांजिटिव मीन्स अकर्मक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, बट मेक गुड सेंस बाय इट्सेल्फ, ये अपने आप ही एक सेंस बनाती है, तो इसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, जैसे द मैन डेड, आदमी मर गया। द गर्ल स्माइल, लड़की हंसती है। द सन शाइन, सूरज चमकता है। क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है और ये खुद ही एक गुड सेंस बना रही हैं, जैसे ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे ये वर्ब हो गई डाइड, स्माइल्ड, शाइन्स, और जो क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के बिना ही अपना अर्थ बता रहे हैं। लेकिन व्हाट और हुम लगाकर अगर प्रश्न करने पर जो उत्तर होता है वह ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब ट्रांजिटिव होता है, तो ये भी याद रखने वाली बात है कि अगर इनके साथ व्हाट या हुम लगा हो तो वो ट्रांजिटिव होता है। अब इसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो इम्पॉर्टेंट रहता है ये एरर में काम आते हैं। जैसे सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स वर्ब्स के बारे में, रूल नंबर फर्स्ट में क्या है, जो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जैसे गिव हो गया आपका, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, ये जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी व्यक्ति सूचक शब्द को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है और वस्तु सूचक शब्द को डायरेक्ट,
क्योंकि ये मोस्टली पूछ भी लिया जाता है कि व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस और व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका वो होगा जो किसी पर्सन को दिखाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले होता है, जैसे यानी डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसका प्रयोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद होता है। ये सेम ही थिंग है, जैसे इसमें यहाँ पर गिवन है सब्जेक्ट हो गया अपना, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट। जैसे एक सेंटेंस है इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में टेबल किया गया, जैसे शी गेव मी एन एप्पल, मी यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और एप्पल डायरेक्ट। द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, आई ऑफर्ड हिम सम मनी, ही प्रोमिस्ड अस अ हॉलीडे, शी आस्क्ड मी इट्स प्राइस, विल यू मेक मी ए कप ऑफ टी, कैन यू गेट मी अ डजन ऑफ एग्स। तो यहाँ पर जो मी और हिम वाले जो वर्ड्स हैं दैट इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये, और ये जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो प्रेपोजिशन टू और फार का प्रयोग कर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में लिख सकते हैं कि अगर हमने जैसे ये प्रेपोजिशन हो गई, अगर प्रेपोजिशन आती है तो फिर टू या अगर फार का यूज़ हो जाता है तो डायरेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट को हम बाद में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये इसी का एग्जांपल दिया गया है, जो सब्जेक्ट है जैसे शी गेव मी एन एप्पल टू मी, लेकिन अगर यहाँ पर वो अभी अभी हमने जो पढ़ा है कि जो प्रेपोजिशन है अगर वो आ जाता है तो आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है और इनडायरेक्ट बाद में चला जाता है। जैसे द टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू अस, आई ऑफर्ड सम मनी टू हिम, और शी आस्क्ड इट प्राइस टू मी, विल यू मेक ए कप ऑफ टी फॉर मी, कैन यू गेट अ डजन एग्स फॉर मी। तो इस तरह से रूल चेंज होते रहते हैं। देन रूल नंबर टू, कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में ही किया जा सकता है और बिना किसी चेंज के, यानी विदाउट एनी चेंज ऑफ फॉर्म। जैसे आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे, द हॉर्स वॉक्स, बात एक ही है कि मैं अपने घोड़े पर वॉक करती हूँ के साथ, आई वॉक माई हॉर्स और आ द हॉर्स वॉक, ठीक है, मेरे घोड़ा यानी घोड़े से वॉक करते हैं। द हॉर्स ड्रू द कार्ट, शी ड्रू नियर मी, मीन्स यहाँ पर ये जो वॉक है इसको देखिए आप, ये इसकी सेंस सेम बनती है दोनों में, ये ड्रू हो गया। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, जो ये स्टॉप्ड वर्ब है। द पियोन रैंग द बेल रैंग, तो ये सेम ही हैं दोनों ही फॉर्म में। ही मूव्स द टेबल द अर्थ मूव्स, तो इस तरह ये ट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रिया और ट्रांजिटिव सकर्मक यानी ऑब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। लेकिन अगर आपको वर्ब्स कम गो फॉल डाई स्लीप लाइन अगर ये इंट्रांजिटिव के रूप में होते हैं ऑलवेज, तो ये जो नोट गिवन होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो रूल का जो ऑर्थोडॉक्स रूल होता है वो गिवन होता है। अब रूल नंबर थ्री क्या कहता है कि जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब प्रेपोजिशन के साथ जुड़ती है तो वो ट्रांजिटिव बन जाती है, यानी जो इंट्रांजिटिव वर्ब है आपकी अकर्मक क्रिया है अगर इसके साथ जुड़ती है। जैसे नो वन रिलाइज ऑन माई वर्ड, आई कैरिड आउट हिज ऑर्डर्स, वी टेक अबाउट एन अफेयर। कभी कभी प्रेपोजिशन वर्ब के पहले यूज होता है, जैसे द गंगा रिवर
overflows its bank. Akbar overcame the enemy. He bravely withstood the attack. यानी जो preposition है वो verb के पहले given रहता है. यानी यहाँ पर overflows हो गया verb, ठीक है. अकबर इसमें हो गया, bravely हो गया और withstood the attack, ठीक है. तो इस तरह ये जो नोटिस है ये अलग है. जैसे ये वाला नो आई कैरिड आउट वर्ब के पहले वी टॉक अबाउट द, यानी द गंगा रिवर फ्लोज ऑन द इट्स बैंक. मीन्स ये वैसे इसमें जो ऑर्थोडॉक्स दे रखे हैं लेकिन ये जो दोनों रूल्स हैं ये रूल के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं. जैसे रूल नंबर 4 में क्या है कि जो कभी कभी जो आपका ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है ये ऐसे ऑब्जेक्ट का रूप होता है जो वर्ब के मतलब जो वर्ब का मीनिंग होता है उसके अकॉर्डिंग होता है. जैसे ऐसे हम ऑब्जेक्ट को कॉग्निट ऑब्जेक्ट या कॉग्निट एक्यूसेटिव कहते हैं. लेकिन व्हाट इज़ कॉग्निट ऑब्जेक्ट? कॉग्निट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ब, किस जिसका जो मतलब है वो वर्ब के समान. ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ. He has fought a good fight. He dreamed a strange. He sang a sweet song. He lived a virtuous life. Means death क्या हो गई? Glorious, gloryful हो गई. Fight क्या हो गई? Good. तो ये वाले जो word हैं, dream क्या हो गई? Strange. तो ये cognate आपकी जो object है वो हो गया. तो ये याद रखना कि अगर कई बार exams में पूछ लिया जाए कि what is कोगनेट ऑब्जेक्ट, तो ये आपके कोगनेट ऑब्जेक्ट हो गए ये वाले जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं. देन रूल नंबर 5, कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स जो कभी कभी इनट्रांजिटिव की तरह यूज्ड होते हैं तो वो कौन से हैं? जैसे शी ईट्स ब्रेड, वी ईट टू लाइव, द बॉय ब्रोक द ग्लास ब्रोक. यानी विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट. ही ओपन, क्या ओपन किया? डोर. ही बर्नड हिज फिंगर, क्या बर्नड कर लिया? फिंगर्स. द विंड शूक द हाउस, क्या शूक कर दिया विंड ने? हाउस. तो इस तरह से पता चल जाता है कि ये ऑब्जेक्ट है इसमें गिवन. द ग्लास ब्रोक, कांच टूट गया. द डोर सून ओपन, दरवाज़ा जल्दी खुल गया. ही बर्नड विद रैग, जल्दी जल गया. द अर्थ शूक, अर्थ घूमती है. तो इस तरह ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का ही खेल होता है मेनली जो वर्ब्स में. रूल नंबर 6, जब कोई नाउन किसी वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमन एरर्स में इस तरह का रूल जो है वो बहुत काम करता है. कि कई बार हम सेंटेंस में ये ढूंढ नहीं पाते कि इसको मॉडिफाई कर कौन रहा है, वर्ब कर रहा है, एडजेक्टिव कर रहा है या फिर एडवर्ब. क्योंकि नाउन का खेल है सारा और नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है. तो ये सेंटेंस की सेंस से हमें समझ आता है कि टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट, उसकी वैल्यू इसको डिनोट करता है अगर, तो वो एडवर्बियल ऑब्जेक्ट ये एडवर्बियल एक्यूसेटिव आ जाती है. ये तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है एग्ज़ाम में एडवर्बियल ऑब्जेक्ट. तो जैसे ही वेंट होम, द मोबाइल सेट कॉस्ट 200 रुपीज़, ही हेल्ड द पोस्ट फॉर 5 ईयर्स, ही कैंट वेट अ मोमेंट, शी स्वैम अ माइल. अब यहाँ पर जो ये गिवन है दैट इज़ एडवर्बियल, यानी एडवर्ब जो वर्ब के साथ ऐड होकर काम करते हैं दैट इज एडवर्बियल. देन सेकंड में सेकंड जो रूल्स आता है इसका, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन, कि जो वर्ब है उसके साथ जो प्रेडिकेट जो यूज़ होता है इनकम्प्लीट सेंस में वो क्या होता है. रूल नंबर 1, जब कोई इनट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीट सेंस देता है यानी एक पूर्ण अर्थ देता है
तो वह वर्ब को कंप्लीट प्रिडिक्शन प्रदान करता है, जैसे द गर्ल लाफ्स, क्या लड़की हंसती है, द बेबी वीप्स, बच्चा रोता है, बॉय स्लीप, लड़का सोता है, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। जो ऊपर ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, दैट इज लाफ, वीप्स, फ्लाई, और ये वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रिडिक्शन हैं। तो अगर एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि व्हाट इज वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रिडिक्शन, यानी आपका जो प्रिडिक्शन है वर्ब का वो क्या है, दैट इज लाफ्स, फ्लाई, वीप एंड स्लीप। रूल नंबर टू में क्या है, जो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं आपके, जो नाउन होता है, एडजेक्टिव और सम पार्ट ऑफ अनदर वर्ब, वो बिना किसी कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं तो वे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट। अगर सेंस बन रही है तो कंप्लीट प्रिडिक्शन होगा, अगर सेंस नहीं बन रही है दैट इज़ इनकम्प्लीट। और इसको क्या बोला जाएगा, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। और इसके जो रूप हैं, यानी वर्ब टू बी, सीम्स, बिकम, अपीयर, जैसे द बॉय सीम्स, ही बिकेम, ही अपीयर्स, यानी इस तरह की जो वर्ब्स हैं इंट्रांजिटिव, जैसे सीम, बिकेम, अपीयर्स, इनसे पूर्ण जो अर्थ है, कंप्लीट सेंस नहीं बन रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वर्ब यूज़ हुए हैं उनके बाद ऐसे वर्ड का प्रयोग करना होगा जो नाउन, एडजेक्टिव और अनदर पार्ट को यूज़ करके इसका कंप्लीट सेंस बना सके, इसका पूर्ण अर्थ निकाल सके। जैसे लेट वी सी, द बॉय सीम्स टायर्ड, एडजेक्टिव जोड़ रखा है, ही बिकेम अ डॉक्टर, नाउन हो गया, ही अपीयर्स प्लीज्ड, पार्ट पार्टिसिपल, यानी पार्ट ऑफ अनदर वर्ब, द अर्थ इज राउंड। तो इस तरह से ये कंप्लीट सेंस बन रही हैं ये वर्ड्स यहाँ पर जुड़ करके, ये वाले, ठीक है। तो अब आता है कॉम्प्लीमेंट, क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, द वर्ड और फ्रेज यूज टू कंप्लीट द सेंस, कि एक ऐसा वर्ड या फिर फ्रेज जो आपके सेंटेंसेस में यूज़ की जाती है उसको कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। कॉम्प्लीमेंट का वैसे मीनिंग भी होता है कि प्रशंसा करना या कंप्लीट करना। रूल नंबर थ्री में, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स की कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, प्रेपोजिशन विद ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव और एडवर्ब का यूज़ होता है। जैसे पूछ भी लिया जाता है कि व्हाट इज एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, ए काउ इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल, His elephant has gone mad, adjective हो गया, noun हो गया, और the child went on weeping, participle हो गया, the pen is of no use, preposition with object, you have to come infinitive, she has fallen asleep। तो ये compliment हो गए इसके। Then number four, यदि ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ ऑब्जेक्ट के प्रयोग करने से स्पष्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज़ होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव, तो इस कॉम्प्लीमेंट को फैक्टिटिव कहा जाता है। जैसे या फिर ऑब्जेक्टिव, द लॉस फील्ड अस विद ग्रीफ, ही सेट द क्रिमिनल्स फ्री। तो ऑब्जेक्ट को से के बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज़ हो रखा है यहाँ पर, विद ग्रीफ, यानी यहाँ पर जो फील्ड विद ग्रीफ, सेट फ्री, ये क्या है, वर्बियल आइडियाज प्रेजेंट हैं। क्योंकि अगर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो ये वही ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही गिवन है। और यहाँ पर ये जो हमें जो सेंटेंसेस गिवन है इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे द लॉस ग्रीव्ड अस, ही फ्रीड्स द क्रिमिनल्स। रूल नंबर फाइव, जो फैक्टिटिव वर्ब्स होते हैं आपके, जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन आपका एडजेक्टिव हो गया, पार्टिसिपल, प्रेपोजिशन विद ऑब्जेक्ट और इन्फिनिटिव हो गया, इनमें एडवर्ब का यूज, जैसे वी मेड हिम कैप्टन, नाउन यूज हो रखा है, द जज सेट द रॉबर फ्री, एडजेक्टिव, आई फाउंड हर स्टिल स्लीपिंग, पार्टिसिपल, योर स्टोरी फील्ड विद मी विद हॉरर,
प्रपोजिशन विद ऑब्जेक्ट आई लाइक मैनी एनिमी टू बी पनिश्ड दे फाउंड हर एज स्लीप यानी ऑब्जेक्ट हो गया और इसके साथ एडवर्ब. तो जैसे यहाँ पर जो इंट्रेंसिटिव है इसके बाद अगर कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करना है तो सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए किया जाता है, तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखने वाली बात है. और जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव यानी जो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, जो सब्जेक्ट को रेफर करता है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वर्ब के टॉपिक में. अब आता है फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं इसके. जैसे रूल वन, जैसे टू बी के बाद एम वी फोर का यूज़ होता है क्योंकि पांच प्रकार होते हैं वर्ब्स के, तो ये फोर्थ टाइप है जो आई एन जी यूज़ होता है इसमें. ही इज़ ट्राइंग, और जो हमने टेंस के टॉपिक में भी कवर किया था कि वी फोर क्या होता है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी गिवन होता है. जैसे ही इज़ ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम इसको ये कंप्लीट लिखने की बजाय हम एम वी फोर्स इसको डिनोट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया ही इज़ ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. पैसिव वॉइस टू में टू बी के बाद एम वी थ्री, एम वी थ्री मीन्स जो परफेक्शन होती है. ए लेटर वॉज रिटन बाई हिम, तो ये मतलब एक रिकॉग्निशन की बात है कि टेंस में वर्ब किस फॉर्म में यूज़ हो रही है. हैज़ हैव हैड एम वी थ्री का यूज़ होता है ऑलवेज, और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट. आई हैव डन माई वर्क, ही हैज़ रिटन ए लेटर, She has finished her homework. Rule number 4. Do, does, did के बाद एम वी वन का यूज़ होता है. जैसे he does not write to her, I don't go there, और he did not come here. Modal auxiliary हो गई आपकी, इसमें एम वी वन का यूज़ होता है. जैसे He can do this work. M A V means modal auxiliary. और you can and will help me. तो ये easy तो होता है, और ये बार बार इसे टेंस में ये कवर हो गया, बाकी सारे ये सेंटेक्स में भी कवर हो गया था टॉपिक. किसी पर्टिकुलर या खास वर्ब के पहले अदर का यूज़ नहीं होता है. जैसे she raised a problem. She ये आपका रूल नंबर 6 तो हो गया. देन शी रोज अ प्रॉब्लम, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे थे जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम. हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, हु डिस्कवर्ड द टेलीस्कोप. इन्वेंशन अलग होता है, डिस्कवर अलग होता है. डिस्कवर खोजना होता है, इन्वेंशन आविष्कार होता है. लेकिन सिमिलर है, लेकिन इनकी मीनिंग चेंज है. जिसे हमें फर्स्ट एग्जांपल गिवन है, इसमें रेज का यूज़ हुआ है जो सही है, क्योंकि रेज का अर्थ खड़ा करना, उठाना, यानी किसी मुद्दे को उठाना. और एग्जांपल टू में रोज़ का, क्योंकि राइज का अर्थ जगना या उठाना होता है. फिर एग्जांपल 3 आता है. एग्जांपल 3 में क्या है, जो हमने डिस्कस कर लिया है, इन्वेंशन का प्रयोग हुआ है जो कि सही है, क्योंकि इन्वेंशन आविष्कार होता है और डिस्कवर खोज करना होता है. ठीक है, इनमें जो अपना ये एग्जांपल है, ये किसी खास वर्ब का यूज़ नहीं किया जा सकता. जैसे मेन वर्ब हो गई, जिसको हम एम वी से भी डिनोट करते हैं, तो इसके जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम्स में पूछे भी जा सकते हैं. तो मेन वर्ब के विभिन्न रूपों को हमें याद कर लेना चाहिए, यानी कंठागर होता है, अच्छे से याद कर लेना चाहिए. जैसे इसको देख लेते हैं क्या होता है. वी वन, वी टू, वी थ्री, बियर हो गया, बोर, बॉर्न, और फाउंड हो गया अपना, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, फाइंड,
का भी फाउंड बनेगा, फाउंड का तीनों फॉर्म यही रहेंगी। एक टेबल है इसमें जो फॉर्म्स गिवन है, यहाँ पर हैंग हो गया, हैंग होता है लटकाना, हंग हंग, हैंग फांसी दे देना, हैंगड हैंगड कि अगर इस फॉर्म में होता है लटकाने में, ये फांसी देने के फॉर्म में होता है, लाई लेटना पड़े रहना, विश्राम ले लेन ले क्रम में रखना, ठीक है, लेड लेड जो एग अंडा देना की फॉर्म में आता है, लाई झूठ बोलना, लाइट लाइट, राइज जगना या उठना, रोज राइजन, रेज उठना, किसी मुद्दे को उठाना, रेज्ड, ठीक है। देन रूल नंबर 7, कुछ ऐसे मेन वर्ब्स होते हैं जो दो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के होते हैं और जो दोनों के यूज़ में हैं वो काफ़ी डिफरेंस भी होता है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी जाते हैं। जैसे ए शिप हैज संक, ए शिप हैज संकन, तो ये यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, जो ये संक है, संक डूबना होता है ना, तो यहाँ संकन, ये तो फोर्थ फॉर्म हो गई, ये यूज़ नहीं होती। ही हैज ड्रंक मच, ठीक है, ये ड्रंक यूज सही है, ही हैज ड्रंकन मच, इट वाज, ये क्या हो गया, इट वाज ए संकन शिप, संकन, अब यहाँ पर इसकी फॉर्म देखिए, ये इसकी राइट फॉर्म है, इट वाज ए संक शिप, ये फिर रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पर एक सेंस चेंज हो गई है इसकी, तो इसमें फोर्थ फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। ही वाज ए मच ड्रंकन मैन एंड ही वाज ए मच ड्रंक मैन, तो ये फिर यहाँ पे फॉर्म रॉन्ग हो गई और ये इसकी राइट फॉर्म है, तो इस तरह इसको यूज करना है। देन मूव टू नेक्स्ट, V1 V2 हो गया इसका, जैसे प्लूरल फॉर्म हो गया मेन वर्ब का, पास्ट हो गया और ये इसकी पार्टिसिपल फॉर्म हो गई, यूज एज थर्ड फॉर्म ऑफ MV और एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव में यूज होगी जो भी अभी हमने ऊपर डिस्कस की थी, जैसे बाइंड हो गया, बाउंड हो गया, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, गेट गॉट गॉट गॉटन, ड्रंकन बाउंडन, श्रिंक हो गया, श्रैंक श्रंक शंकन, सिंक सैंक संक संकन, स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक स्ट्राइकन, तो इस तरह इसको याद रखना है। जैसे क्लीव हो गया, क्लीव होता है फाड़ना तोड़ना चीरना चिपकना, क्लीव क्लोव क्लेफ्ट, ये काफ़ी न्यू वर्ड भी हैं, क्लोवन एनग्रेव नक्काशी करना, एनग्रेव्ड एनग्रेव एनग्रेविन, मेल्ट मेल्टेड मेल्टेड मोल्टन, सीव्ड उबालना उत्तेजित सीधिट सीधिट, सॉडन शेयर कैंची से काटना, शेयर्ड शेयर शॉन, ठीक है। अब ऊपर जो हमें ये टेबल गिवन थी, इसका जो सेक्शन ए था उसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ हुआ था, जिसको हम MV3 या थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। और जो टेबल V3 के सेक्शन बी में गिवन थी वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ हुआ है जो एडजेक्टिव के रूप में होता है, तो इस तरह से इसको टेबल को याद रखना है। और ये जो MV3 गिवन, MV मीन्स जैसे यहाँ पर थर्ड है तो थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, तो इतना बड़ा लिखने के बजाय इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। सो ये था हमारा जो वर्ब का टॉपिक और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो आपका ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका, और ये जो फॉर्म्स हैं वर्ब की ये मोस्टली पूछे जाते हैं, और ये कॉमन एरर क्लॉजेस ये सब में काम करता है ये वाला टॉपिक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो यू हैव टू फुली कंसंट्रेट ऑन दिस। थैंक यू सो मच।